दोस्तों दोस्ती मोटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करें। तो हेलो दोस्तों, दोस्ती मोटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली ये बड़ा दोस्त है, तो हम लोग ने फाइनली इसका इंजन बना चुके हैं, तो बन चुका है। अभी देख सकते हो गाड़ी चालू है, स्टार्ट है। तो ये हमारे अंकुश भाई है, तो ये स्कैनर इनके पास है, देख सकते हो। तो ये अभी रीजनरेशन कर रहे हैं, जैसे कि रीजनरेशन का लाइट आ रहा था, तो अभी आपको ये कुछ बताएंगे। तो अंकुश भाई बताइए हमारे दोस्तों को। देखो गाड़ी जब भी आपका 40 के ऊपर नहीं जाएगा और गाड़ी में पिकअप का प्रॉब्लम आएगा, तो गाड़ी BS6 जो होता है इसके अंदर साइलेंसर इसका चोकअप हो जाता है। इसको कभी भी आप खोल के साफ करने का ट्राई मत करना, नहीं तो साइलेंसर चेंज करने का नौबत आ सकता है। साइलेंसर का कीमत काफ़ी कॉस्टली है, तो इसका मशीन से ही होगा। अगर आपने धुलाई भी कर दिया तो उसके अंदर मशीन, जैसा कि आपका ECM है, इसके अंदर से तो रीडिंग कम नहीं कर सकते ना, तो इसको स्कैनर से ही काम होगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर सॉफ्टवेयर चल रहा है और रीजनरेशन हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों देख सकते हो रीजनरेशन अभी चालू है, तो अभी चेक करेंगे रीजनरेशन के बाद लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। रीजनरेशन की लाइट आ रही थी, तो अभी फाइनली भी रीजनरेशन चालू है। तो दोस्तों अभी हम आपको इंजन की फायरिंग भी दिखाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पूरा सही तरीके से इंजन बना दिए है। तो अभी रीजनरेशन के बाद हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहे, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहे। देख सकते हो दोस्तों ये प्रोसेसिंग चालू है रीजनरेशन की, तो आप देख सकते हो। तो देखिए इंजन भी इसका थोड़ा रेस है, तो अभी देख सकते हो रीजनरेशन का लाइट है, जैसे कि आपको दिख रहा है पीला वाला। देखो नॉर्मल जब हमारा गाड़ी चलता है तो 8 पर ही होता है, अभी जैसा रीजनरेशन चालू है तो ये कांस्टेंट एक 1600 RPM पे चल रहा है। और यहाँ पर भी इसका कंडीशन है, वो सारा कंडीशन फॉलो होने के बाद में ये अभी सेकंड स्टेज पे चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, इसी तरह हम लोग रीजनरेशन कर रहे हैं। तो बड़ा दोस्त में तो देख सकते हो ये बड़ा दोस्त गाड़ी है, तो उसका जो प्रॉब्लम था दोस्तों फैन का भी प्रॉब्लम था, और इसका जो रीजनरेशन का लाइट है वो भी दिखा रहा है, देख सकते हो आप। तो अभी रीजनरेशन चालू है, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों फाइनली ये जो बड़ा दोस्त दिख रहा है ये चालू हो चुका है और रीजनरेशन भी हो चुका है इसका। और इसका जो रीजनरेशन का जो लाइट आ रहा था वो भी इसका बंद हो चुका है, और अभी हम लोग ने इसको राउस में रखा है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि रीजनरेशन का जो लाइट आ रहा था वो अभी फाइनली बंद हो चुका है, गायब हो चुका है, तो रीजनरेशन भी कम्प्लीटली हो चुका है। तो अभी हम लोग ने इसको राउस में रखा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फर्स्ट टाइम हम लोग इसका रीजनरेशन किए हैं, तो वो हमारे जो अंकुश भाई है उन्होंने रीजनरेशन किए हैं, क्योंकि हमारे पास BS इसका स्कैनर अभी नहीं है, अभी हमारे पास आने वाला है, तो इसके लिए हम लोग ने अंकुश भाई को बुलाए थे। तो दोस्तों फाइनली इसका रीजनरेशन हो चुका है। तो अभी इरफान है, ये आपको बताने वाला है कुछ। तो दोस्तों हमने ये BS6 ये बड़ा दोस्त का इंजन जो बनाया है वो अभी बन चुका है, राउस में हो रहा है। तो दोस्तों ऐसी हमारी वीडियो में बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों गाड़ी कंप्लीट होने के बाद हम गाड़ी कस्टमर को देंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, वो मैं आपको दिखाता हूँ रीजनरेशन वाली वीडियो, वो लाइट गायब हुई, बंद हुई या नहीं हुई। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों फाइनली ये रीजनरेशन हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो लाइट भी इसका बंद हो गया है रीजनरेशन का। तो हम आपको चालू बंद करके एक बार चालू करके दिखाएंगे, क्लच दबाएंगे, ये देख सकते हो दोस्तों बंद करके चालू किए हैं। और ये दोस्तों है ये इंजन का फायरिंग, तो दोस्तों फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है और हमारे अंकुश भाई ये जा रहे हैं अभी। तो
मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इन्होंने रीजनरेशन किया है और हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम बड़ा दोस्त का रीजनरेशन इन्होंने किया है, तो फाइनली एकदम कम्प्लीटली गाड़ी हो चुकी है। तो अभी हम कस्टमर को गाड़ी देंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये देख सकते हो ये बड़ा दोस्त है, तो फाइनली ये गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते।